हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी ये रेसिपी दिवाली और करवा चौथ स्पेशल है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से समोसे बनाएंगे। ये हैं हमारे मिनी समोसे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने मैदा लिया हुआ है, इसमें हम ये काला जीरा डाल देंगे जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोयम के लिए हमने घी लिया हुआ है, इसे हमने गरम कर लिया था जिससे हमारा घी थोड़ा पिघल गया है। अब अच्छे से हम घी को मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हमारी पिट्ठी तैयार हो जा रही है। इसका मतलब हमारे मैदे में मोयम बिल्कुल सही मात्रा में है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मीडियम दो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त। ये समोसे का डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारे समोसे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये हमने उबले हुए आलूओं को लिया है, इसे हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें भुना जीरा पाउडर डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। एक चुटकी हम इसमें काला नमक डाल देंगे, साथ ही में हम स्वाद के अनुसार सादा नमक भी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिनी समोसों का मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पंचफोरन डाल देंगे। हमने कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है, इसे भी हम तड़के में डाल देंगे। ये तड़का हमारा अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसे तैयार किए हुए मिक्सचर में डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब अपना हम मिनी समोसा बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक लोई काट ली है, अब हम इसे बेल लेंगे। हमें मीडियम पूड़ियों के साइज का ही इसे बेलना है, फिर हम इसे बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए, एक पॉकेट तैयार करना है तो हमें इस तरह से पहले पानी लगा के एक साइड से हम इसे सील कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा पॉकेट बनके तैयार है। अब हम इसमें मिक्सचर को डाल देंगे। वापस से पानी लगा के हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। अब टर्न करके हम इसके बैक पे भी पानी लगाएंगे। अब बीच में थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम इसके दोनों सिरों को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा एक मिनी समोसा बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हमने सारे समोसों को बना के तैयार कर लिया है। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब हम इसमें समोसों को डाल देंगे एक एक करके।
हम समोसों को मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे समोसे अंदर से अच्छे से पक जाएं और काफ़ी क्रिस्पी भी हों। एक बार हम इन्हें इस तरह से टर्न कर लेंगे। वापस से एक बार टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आने लगा है हमारे समोसों में। जैसे जैसे हमारे समोसे पक रहे हैं हमारे समोसों का कलर भी चेंज होते जा रहा है। ये देखिए ये मिनी समोसे हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे समोसों को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप इस दिवाली या करवा चौथ इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ ही ये काफ़ी लाइट भी होते हैं। एक बार ज़रूर आप इसे बना के ट्राई करें। ये दूसरे बार के भी समोसे हमारे बन के तैयार हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्यूट कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं हमारे ये मिनी समोसे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं हमारे समोसे। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।